गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल मैंने कटिंग पर एक वीडियो डाला था कि जिसमें मैंने बताया था कि आप कौन कौन से कटिंग लगा सकते हैं। तो देखिए, मैं वही कटिंग बता रही हूँ जो मेरे टेरेस पर उगी हुई है, लेकिन उसके अलावा आप हर एक प्लांट की कटिंग ट्राई करिए। अगेन, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ करेंगे तो कटिंग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मिट्टी आपकी अच्छी होनी चाहिए, मिट्टी अच्छी है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिवर सेंड में भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी मैंने देखा है बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। लेकिन रिवर सेंड को एक बार आप अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, मतलब आप पानी भर के रखिएगा, फिर जो पानी निथर जाए उसे निकाल के दो तीन बार वॉश करके फेंक दीजिएगा। क्योंकि आजकल जो नदियों की रेत आ रही है उसमें भी भरपूर मात्रा में केमिकल आ रहा है। आपको पता है नदियाँ हमारी कितनी प्रदूषित हो चुकी हैं, तो ये चीज़ देख लीजिएगा एक बार, उसके बाद आप उसमें ट्राई करिएगा। कल मैंने जो मेरे हार्डी प्लांट हैं टेरेस पर उनके बारे में बताया था, आज मैं जो सॉफ्ट जितने भी प्लांट हैं उन सब की एक वीडियो बना दे रही हूँ। हाँ, किसी ने कमेंट किया था कि मैम लगा के बताइए, तो देखिए मेरे हर एक उस पर वीडियो हैं सेपरेट। प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए, यूट्यूब चैनल है मेरा मिट्टी की खुशबू सोनम। उसमें मैंने मोगरा, गुड़हल और काफ़ी सारी, मतलब जो भी लग सकती हैं ईजिली, उनकी लगा के मैंने बता दी हैं। और देखिए, मुझे अब कटिंग नहीं चाहिए, मेरे टेरेस पे ऑलरेडी बहुत पौधा हो गया है जिसको मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा कटिंग ट्राई नहीं कर रही हूँ। तो वो देख लीजिएगा आप, तरीका सबका सेम रहता है। पत्तियाँ हटाइए, 45 डिग्री में नीचे से कट करिए, एलोवेरा जेल लगाइए और अपनी पोरस मिट्टी में, जिस भी पॉट की पोरस मिट्टी है वहाँ लगा दीजिए। कटिंग को टच नहीं करना होता है बार बार, जब तक कि 1.5 से 2 महीना ना हो जाए, आपको लगे कि पौधा बिल्कुल इस्टेब्लिश होता है, हो गया है कटिंग, उसके बाद में ही आप उसको टच करेंगे। अब चूंकि मैं अपने पौधों की निराई गुड़ाई नहीं करती हूँ ना, तो कटिंग जहाँ लगी रहती है वहाँ बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाती है। निराई गुड़ाई क्यों नहीं करती हूँ वो आप लोगों को पता है, मेरे टेरेस पर किस तरीके से पौधे लगे हुए होते हैं, किस तरीके से पॉट फिलिंग होता है, तो मेरे यहाँ मिट्टी को बहुत ज़्यादा छेड़ने का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अगेन, अब मैं आपको बता देती हूँ, देखिए ये है स्टार डेजी, और भी कोई नाम हो तो बता दीजिएगा मुझे, इसका स्टार डेजी ही पता है। ये देखिए मैंने सीज़न एंडिंग में ख़रीदा था बीज बनाने के लिए, बीज तो बन गया लेकिन पौधा देखिए अभी तक दोबारा ब्लूमिंग के लिए तैयार हो गया है। इसके हर एक उस पर देखिए बड़बड़नी शुरू हो गई है, और अब मैं इसकी करूँगी कटिंग ट्राई, क्योंकि एक ही पौधे से कई सारे पौधे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और मुझे पता है इस टाइम पर ईजिली इसकी कटिंग भी प्रोपेगेट हो जाएगी। मैक्सिकन पिटूनिया बहुत ही आसानी से कटिंग लगती है, ईजिली काटिए और लगाइए। स्पाइडर प्लांट के आप देखेंगे, इसका वैसे तो देखिए रूट डिवीज़न करके बहुत इजीली ये प्रोपेगेट हो जाता है, लेकिन इस टाइम पर आप देखेंगे इस तरीके से इसके बेबी पब्स निकल रहे होंगे और उनमें देखिए अपने आप रूट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे बारिश की वजह से, तो आप इनको अलग करिए और लगा लीजिए। अब देखिए अच्छी मिट्टी का कमाल क्या होता है, आप देखिए कितने सारे हेल्दी बेबी पब्स इसके निकले हुए हैं, तो ये होता है अच्छी मिट्टी का कमाल। बेबी सनरोज सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, बहुत आसानी से कटिंग से प्रोपेगेट होता है, बस इसमें ध्यान होता है कि इसकी है ना वो इसकी स्टेम जो है देखिए इस तरीके से गलना शुरू हो जाती है, तो बस आज मैं इसको यहाँ से कट करूँगी और आगे वाली जो ब्रांच है ठीक है इसको मैं मिट्टी में पोरस मिट्टी में दबा दूँगी, तो ये नया प्लांट रेडी हो जाएगा, बहुत ईजीली कटिंग से हो जाता है। और ये पर्पल अर्ट, इसके बारे में तो क्या ही कहने, छोटी सी कटिंग लाइए मिट्टी में दबा दीजिए और फिर आपके यहाँ इतना जंगल बन जाएगा कि आप उखाड़ते उखाड़ते परेशान हो जाएंगे। सेम टर्टल वाइन की दोनों तीनों वेराइटी जो भी हैं, छोटी सी इतनी सी भी कटिंग मिल गई ना आपको, तो ये मैं 4 कटिंग लाई थी इतनी छोटी छोटी सी और आज मेरे पास इतना सारा है कि मैं उखाड़ते उखाड़ते परेशान हूँ। ये देखिए बिगुनिया प्लांट, ये भी बहुत कटिंग से आसानी से प्रोपेगेट हो जाता है और ये बहुत ही सुंदर हो रहा था, पर आज इस पर कोई कीड़ा आया है जो इसकी सारी पत्तियों को खा गया है। आज मैं इस पर बायोएंजाइम स्प्रे करूँगी, सारे ही पौधों पे करूँगी। एक्चुअली आज मैं देख रही हूँ बारिश की वजह से काफ़ी सारा पेस्ट हो रखा है अटैक प्लांट्स पे, तो आज मैं सारे पौधों पर जो मेरा एलोवेरा का बायोएंजाइम है कड़वा वाला वो और नीम का बना हुआ रखा है वो मैं सारे पौधों पर स्प्रे करने वाली हूँ, तो आई थिंक शायद सब बचे रहेंगे, इससे ये ईजिली लग जाएगा। इसके अलावा मैरीगोल्ड का तो मैंने आपको बता ही दिया, प्लांट पर खुद ही रूट्स निकलने लग जाती हैं, तो आप बस खूब सारी इनकी कटिंग लगा लीजिए और अगस्त में आपके यहाँ भर भर के फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगेन डेंथस देखिए आप देखते आ रहे होंगे, पूरी मैंने सीज़न दिखाया है आपके यहाँ, मेरे यहाँ पूरे साल भर इसमें फ्लावरिंग होती है, कभी कम या कभी ज़्यादा, बस मैं एक तो इस पर बीज नहीं बनने देती और हमेशा इसकी हल्की वाली प्रूनिंग करती रहती हूँ, तो ये लगातार फूल खिलते रहते हैं इसके। बस इसका करना क्या है, आपको छोटी छोटी सी कटिंग दबा देनी है और बारिश में इजीली रूट डेवलपमेंट हो जाएगा और प्लांट मल्टीप्लाई हो जाएगा।
इस टाइम पर आप अपराजिता को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा सेमी हार्डवुड आप कटिंग लेंगे, जैसे एकदम ग्रीन वाली नहीं लेंगे, थोड़ी सी हार्डवुड कटिंग लेंगे और कहीं भी मिट्टी में दबा देंगे तो ईजिली प्रोपेगेट हो जाएगी और मल्टीप्लाई हो जाएगी। अभी देखिए बीज मत मांगिए, कि बहुत सारे लोग हैं ना नेगेटिव कमेंट करते हैं, मैम बीज नहीं दे रहे हैं, आप देना नहीं चाहते हैं, क्या है, बीज बन ही नहीं रहे हैं। सिंपल जो ब्लू कलर की है उस पर देखिए भर भर के बीज बनते हैं, लेकिन जो मल्टी पेटल वाली होती हैं इनका एक सीज़न आता है तभी ये बीज बनाना स्टार्ट करती हैं। अभी एक भी बीज नहीं बना है, बनेंगे तो डेफिनेटली मैं शेयर कर दूँगी, मुझे रख ख़राब नहीं करना है बीज, मैं डेफिनेटली शेयर कर दूँगी। अजवाइन पत्ता, जिसको हम कैरम प्लांट बोलते हैं, अजवाइन की खुशबू वाला, इसको तो आप इजीली लगा सकते हैं, आप ज़रूर लगा लीजिएगा। ये तो आप छोटी छोटी सी कटिंग भी लगाएंगे, ये देखिए मैंने सारी कटिंग लगाई है क्योंकि पुराना प्लांट बहुत ही अजीब सा हो गया था, तो उसकी सारी काट के मैंने कटिंग लगा दी है और आप देखिए कितना एक खूबसूरत सा बंच हो गया है। अगेन वंडरिंग यू, बहुत ईजिली लगता है, इसमें मैंने कटिंग को मिट्टी के अंदर दबाया नहीं है, आप देखिए ऊपर सिर्फ मैंने रख दी थी क्योंकि ये हर एक नोड एरिया से अगेन रूट्स डेवलप करती है, तो इसमें इसको आप मिट्टी में दबाएंगे नहीं ना, सिर्फ ऊपर मिट्टी के ले जाके रख देंगे ना तो भी ये अपने आप रूट्स को अंदर ले जाएगा और देखिए इस तरीके से एक बुशी प्लांट बन जाएगा। अभी मुझे देखिए पीपल बाबा के मैनेजर हैं विनीत भैया, उनकी तरफ से एक मुझे प्रोजेक्ट मिला है एज ए वॉलंटियर, कि मुझे जितने भी मेरे टेरेस पर ये मेडिसिनल हर्ब्स हैं या मेडिसिनल प्लांट हैं इनके मुझे पैकेट्स तैयार करने हैं छोटे छोटे से, जो कि उन्हें स्कूल्स में डेमोंस्ट्रेशन में दिखाने हैं, बच्चों को सिखाना है कि कौन कौन से ये जड़ी बूटियां हैं जो हमारे टेरेस पे उग जाती हैं और उन्हें हमें बचा के रखना है। तो आने वाले उस टाइम में ये सारे निकाल निकाल के, ये दूधी है आपके साथ मैंने शेयर किया है, चमत्कारी अस्थमा प्लांट है और जिसके पेचिस या आम वाली प्रॉब्लम होती है पेट संबंधित, तो उसमें रामबाण है, मैंने पर्सनली यूज़ किया हुआ है इसलिए बता रही हूँ। तो इस तरीके की जड़ी बूटियाँ ज़रूर अपने गार्डन में एक कॉर्नर बनाइए जहाँ पर इन वाली जो जड़ी बूटियाँ जो फ्री में उगती हैं इनको स्टोर करिए। और नेक्स्ट है ये ट्रेंगल हार्ट, देखिए ये मेरे को कटिंग दी थी अभी जब मैं शॉपिंग वाले उसमें गई थी इवेंट में, और ये मेरी कटिंग बहुत अच्छे से चल गई हैं सारी, बहुत छोटी छोटी सी कटिंग मिली थी और बहुत ही खूबसूरती से ये चल रही हैं। सकुलेंट की सारी वैरायटी इस टाइम आप लगा सकते हैं। कैलनकोई क्लाइंचो जिसको हम बोलते हैं, इसकी आप लीव्स लगा दीजिएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा प्लांट हैं तो आप उनको कट कर करके छोटी छोटी कटिंग करके लगा दीजिएगा। बस इनका ये याद रखना है सकुलेंट वैरायटी का, जब आप इसकी कटिंग लगा रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसे एरिया में रख देना जहाँ मॉइस्चर तो रहे, लगातार बारिश ना पड़े, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ मेरे तरीके से जिन्होंने पॉट फिल किया है उनके यहाँ ओवर वाटरिंग का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन जिन्होंने मेरी तरीके से पॉट फिल नहीं किया हुआ है तो उनके यहाँ देखिए ओवर वाटरिंग का प्रॉब्लम होगा और पौधे ख़राब हो सकते हैं। तो प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इनको थोड़े ऐसे एरिया में रख लीजिए जब तक इनकी रूट डेवलपमेंट ना हो जाए तब तक। उसके बाद मेरे जैसी मिट्टी बना लीजिए, फिर तो आपके खुले टेरेस में रखे रहेंगे ना सारे सकुलेंट वैरायटी के भी पौधे, तो भी खराब नहीं होंगे। नेक्स्ट है जेड, मेरे पास दो वैरायटी हैं, देखिए एक तो ये है और एक कॉमन है, ये छोटी पत्तियों वाली, इसकी जितनी कटिंग आप लगा सकते हैं ना उतनी कटिंग लगाइए, छोटी से छोटी कटिंग इसकी डेवलप हो जाती है। और देखिए इसका उदाहरण है ये, इसमें देख रहे हैं आप सिर्फ छह पत्तियां हैं और देखिए रूट डेवलप हो गई है, और ये मैंने मिट्टी में नहीं दबाया था, मैं जब कटिंग करती हूँ ना मैं पॉट्स में ऐसे ही डाल देती हूँ, आपको पता है मेरी आदत है मल्चिंग की, तो उसमें ये पड़ी हुई हैं और आप देखिए सब में रूट डेवलपमेंट हो गया, छोटी छोटी आप कटिंग दिख रहे हैं, तो ये इसकी छोटी से छोटी कटिंग लग जाएगी। हाइब्रिड या देसी जो भी विंका हैं सबकी कटिंग लगा डालिए रिवर्स एंड में, मिट्टी में डेफिनेटली चल जाएंगी। और वीडियो अब हो गया है लंबा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी बाकी प्लांट्स के बारे में, तो ज़रूर लगा लीजिएगा, ये बहुत ही आसानी से प्रोपेगेट हो जाती हैं, हरियाली फैला लीजिए अपनी टेरेस पर फ्री में।